प्रणाम मम्मी जान। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया हमने तुम्हें? बिल्कुल नहीं, आपको प्रार्थना करते हुए देख तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कहो कैसे आना हुआ? आपको कुछ बताना चाहते थे। शहनशाह ने निर्णय लिया है कि महामंगा जी के कक्ष को वैसे ही रखेंगे जैसा वो था, ना तो उसमें कोई बदलाव किया जाएगा और ना ही इसमें किसी को ठहरने दिया जाएगा। उसे सदा महामंगा जी की याद बनाकर सहज कर रखा जाएगा। हम समझ सकते हैं, जलाल को महामंगा से बेहद मोहब्बत थी। हमें उम्मीद है कि ये करने से उसके दिल को सुकून पहुंचेगा। आदाब मलिका आजम, आदाब जोधा बेगम। जोधा बेगम, आपके लफ्ज ने तो कमाल कर दिया। खुदा ने आपकी सुन ली, आपके एक झूठ को सच बना दिया अल्लाह ने। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं? जावेदा बेगम की तबीयत खराब थी, हमने जांच किया तो पता चला सच में वो माँ बनने वाली है। या खुदा, तू कितना कारसाज है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। जोधा बेगम, आप आराम से तो बैठी है ना? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, परंतु आप ही हमारी समस्या का कारण बनी हुई हैं। हम? और नहीं तो क्या? आप कब से हम पर दृष्टि रखे हुए हैं रुकैया बेगम? आप कितना ख्याल रख रही हैं हमारा। किसने कहा आपसे कि हम आपका ख्याल रख रहे हैं? हम तो हमारे आने वाले बच्चे का ख्याल रख रहे हैं। परंतु आपको इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं थी रुकैया बेगम। हमें कोई तकलीफ नहीं है और आपको भी तकलीफ ना हो, इसीलिए हम हकीमा सायरा बेगा साहिबा के यहाँ जा रहे हैं। शहनशाह तो इजाज़त ही नहीं दे रहे थे हमें, हम ही जानते हैं कि हमने उन्हें कैसे मनाया है। फिर भी इतनी सारी सेविकाएं थी, हम किसी के भी साथ आ सकते थे, आपने बेकार नहीं कष्ट उठाया। नहीं जोधा बेगम, हमें आपके साथ तकलीफ नहीं होती, और वैसे भी शहनशाह ने ताकीद की है कि आपका अच्छे से ख्याल रखा जाए। अब हम शहनशाह के हुक्म को कैसे टाल सकते हैं भला? आराम से चलो बेवकूफ। आप ठीक है ना? ठीक है। हम आपको कुछ चाहिए जोधा बेगम? बिना हथियार के जंग करने वाला अक्सर शहीद हो जाता है। यही तो योद्धा की नियति है शहंशाह, विजय या वीरगति। हम कभी निहत्ते पर हथियार नहीं उठाते। तुम्हारे हुनर और तुम्हारे जज्बे से हम खुश हैं। अब तो हमें अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुरजीत सिंह है शहंशाह, एक राजवंशी योद्धा हूं। हम बस इतना पूछना चाहेंगे कि एक राजवंशी होकर तुम एक मुगल बादशाह की खिदमत क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हारे राजवंशी भाई हमें गैर मजहबी नहीं कहते? एक शहंशाह का एक ही धर्म होता है, प्रजा का पालन, जिसके हृदय में सबकी भावनाओं के लिए सम्मान है, जो प्रजा पालक है और प्रजा की रक्षा जिसके लिए सबसे बड़ी बात है। एक राजवंशी योद्धा उस राजा का सदा ही सम्मान करता है जो राजधर्म का पालन करता हो। बहुत खूब, तुम्हारी सोच तुम्हारे जंग के हुनर की तरह ही ऊंची है। हमारा मानना है कि वो बादशाह और उसकी सल्तनत कभी नहीं झुक सकते जिसके पास तुम्हारे जैसे बहादुर सिपाही हो। मान सिंह, नागौर में फौरन इनके जैसे बहादुर योद्धाओं की जरूरत है, इन्हें फौरन वहां तैनात किया जाए। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि राजवंशियों से पहले हमारी दुश्मनी थी, फिर दोस्ती हुई, फिर रिश्ता जुड़ा, मगर अब लगता है कि
जिंदगी भर का साथ जुड़ गया है आप सबसे। हकीमा साहिबा, सब खैरियत है ना? हकीमा साहिबा बताइए ना, कोई फिक्र की बात तो नहीं है ना? बच्चे तो ठीक है ना? बाकी सब ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सोचना आपके लिए ठीक नहीं है। हम भी इनसे यही कहते रहते हैं, लेकिन ये हमारी बात सुनती ही नहीं है। हमसे अधिक चिंता तो आप करती हैं रुकैया बेगम। हकीमा साहब, आप इनको भी कोई औषधि दे दीजिए ताकि ये इतनी चिंता ना किया करे। हकीमा साहब, बच्चे कैसे हैं? माशाल्लाह, बहुत सेहतमंद हैं। जोधा बेगम, अब आपका 8वां महीना चल रहा है। खुराक, पानी, दवा, इन चीजों की इस समय बहुत जरूरत है आपको, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है आपका दिली सुकून। आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपको खुशी मिले, बस आप वही करिए। और मैं अभी आपको एक औषधि बना के देती हूँ। इसे आप रोज दूध में एक बूंद डाल के इन्हें रोज पिलाइए। ये लीजिए, इसको देने के बाद आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ आना भी नहीं पड़ेगा। शुक्रिया हकीमा साहिबा। वैसे हमने सुना है कि आप जांच करके बता सकती हैं कि बच्चे किस दिन पैदा होने वाले हैं। हकीमा सिर्फ अंदाज लगा सकती है, कुदरत क्या चाहती है ये तो वही जाने। फिर भी 1 महीने के बाद इनकी जचकी हो जाएगी। शुक्रिया हकीमा साहिबा। अब हमें इजाजत दीजिए, हमें इनकी हैरत की खबर शहंशाह तक पहुंचानी है। तूफान बहुत बड़ा है तोड़मल साहब। जी शहंशाह, हमें भी ऐसा ही लगता है, मगर हमें चौधा बेगम और रुकैया बेगम की फिक्र हो रही है। हम नहीं जानते कि वो सही सलामत महल वापस पहुंची हैं या नहीं। आप चिंता मत कीजिए शहंशाह, उनके साथ हमारे सबसे काबिल सिपाही हैं, और वैसे भी वो आगरा से ज्यादा दूर नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी मर जाऊंगा मैं, खुद को फांसी लगा लूंगा मैं, कोई कोई मुझे रोकने की कोशिश मत कर। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? उस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी वजह से न मैं खा सकता हूँ, न सो सकता हूँ, न पी सकता हूँ। तो सकता हूं, मैं हंसी लगा के मर जाऊंगा। उस शख्स की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी वजह से मैं घर से पिट के निकलता हूं और दोबारा डर के मारे घर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। ए, रुक जाओ भाई, खुदकुशी गुनाह है। मैं जिस तरह की जिंदगी जी रहा हूँ ना, उस तरह की जिंदगी जीना उससे भी बड़ा गुनाह है। सुनो, आखिर किसकी वजह से तुम खुदकुशी करना चाहते हो? शहंशाह, पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।